जेनी मोड के साथ मैं अपना माइनक्राफ्ट खेल ही रहा था, तभी मेरे को याद आता है कि मैंने इस वर्ल्ड में ना जिली के लिए कुछ भी नहीं किया, लाइक जेनी के लिए कुछ नहीं किया, तो मैं सोचता हूँ उसके लिए घर बना दूँ। हालांकि वी आर मैरिड तो उस घर का बनाने का कोई सेंस नहीं है, बट स्टिल उसके लिए घर बनाता हूँ ताकि वो खुश हो जाए एटलीस्ट, एंड उस घर का थोड़ा फायदा मैं भी उठा लूँगा। तो मैं घर बनाने निकल पड़ता हूँ, बट बिफोर आई स्टार्ट वर्किंग ऑन द हाउस तभी मैं सोचता हूँ कि पहले डेकोरेशन का काम कर लेते हैं। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो बड़े वाली लैंप लगाई है मैंने, लाइटिंग का काम किया और कुछ नहीं इस डेढ़ घंटे में, क्योंकि मेरा फोन हैंग हो रहा था। तुम लोग यहाँ देख सकते हो ये लैंप मैंने यूट्यूब शॉर्ट से देखी है एंड इसी का फ्लैक्स कर रहा था। बाय द वे भाई इतने ज़ॉम्बीज थे यहाँ पे, कहाँ गए भाई? अबे यार मैं सोच रहा था रिकॉर्डिंग ऑन करके इन ज़ॉम्बीज को मारूंगा, तुम लोगों के साथ फ्लैक्स करूंगा, भाई देखो मैंने इतना बड़े वाला फार्म बनाया, बट साले डिस्पोन हो गए। एंड अब तुम लोग मेरी किस्मत का अंदाजा लगा लो कि मेरी किस्मत कितनी ज्यादा गंदी है। मतलब मैंने पूरा घर बना के खड़ा कर दिया एंड मैं सोच रहा रिकॉर्डिंग ऑफ है, एंड अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं ताकि ज्यादा लंबी रिकॉर्डिंग हो जाए तो हैंग हो। एंड जैसे मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करने जाता हूँ पता चलता है रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं है, भाई क्या किस्मत है। फिर मैं सोचता हूँ जितना भी घर बन गया है बाकी का जो है वो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। एंड मतलब पूरा घर बन ही चुका था, मतलब स्टेयर्स का काम रह रहा था, तुम लोग यार देख सकते हो मैं धीरे धीरे काम कर रहा था ताकि गिर ना जाओ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बार गिर चुका था। एंड मैं सोच रहा था घर बनाते वक्त ना कि भाई लोग मेरी तारीफ करेंगे इतना मेहनत से घर बनाया, और मेरा सामान जो है ना बार बार खत्म हो जाता था तो नैदर जाना पड़ रहा था बार बार, ठीक है। एंड उधर जो लैग हो रहा था उससे फ्रस्ट्रेशन अलग हो रही थी, ठीक है। तो मैं पूरा घर बना रहा होता हूँ ताकि तुम लोग तारीफ कर सकते हो मेरे घर की। एंड घर बनाते पता चलता है मेरे जो सामान मैं 3 बार ला चुका हूँ वो सामान फिर से खत्म हो चुका है, दोबारा से जाना पड़ेगा। इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था ना भाई घर बनाते वक्त, इतना ज्यादा हार्डवर्क किया है मैंने इस घर को बनाते वक्त, बट मैंने ज्यादा गुस्सा नहीं किया, मुझे लगा मेरा हार्डवर्क जो है रंग लाएगा, बट वो कुछ मतलब वो तुम डिसाइड करना कि ये वर्तित रहा है नहीं रहा। बाकी मैं मतलब पूरा घर बन चुका है, तुम लोग यहाँ देख सकते हो इस क्लिप में देख सकते हो पूरा घर बना चुका है मैंने। एंड मैं सोचा था भाई स्टैटिक वाली क्लिप लूंगा, ज़ॉम्बीज आके पूरी क्लिप खराब कर दी। मतलब तुम सोच रहे हो मेरी किस्मत, तुम लोग अभी से तुम लोग आइडिया लगा लो क्या किस्मत है। एंड दूर खड़ा मेरे को क्रीपर दिखता है, बट मुझे पता था किस्मत खराब है, दूर खड़ा है पर पास आके मेरे को फोड़ेगा, मेरी क्लिप खराब करेगा। सो मैं सोचता हूँ इसको मार देता हूँ, बट लैग ऐसा हो रहा था मुझे लगा मैं ना मर जाऊँ, बट जैसे तैसे मैंने अपनी पावरफुल वाली ज़ॉर्ड से इसका कत्ल कर दिया, मतलब खत्म कर दी इसकी कहानी। एंड अब तुम लोग देखो मैंने जो डेढ़ दिन में बनाया ना, रियल लाइफ के डेढ़ दिन में ये बनाया मैंने। अब तुम लोग कमेंट करके बताओ कि मेरे डेढ़ दिन की मेहनत रंग लाई या नहीं लाई, मतलब लाई। एंड तुम लोग यहाँ देख सकते हो अंदर जेनी का फेवरेट वाला बेड लगा रखा मैंने। एंड मतलब मैं सोचता हूँ चलो जाके जेनी से पूछता हूँ, जिली से पूछता हूँ उसका रिएक्शन क्या है, मैंने उसके लिए इतना प्यार वाला घर बनाया है। हाँ भाई जिली मतलब मिठाई कब खिला रही है, मतलब मैंने तेरे लिए इतने मेहनत किया कुछ तो बोल दे भाई, रिएक्शन दे दे कितना कैसा लगा ये तो बता। ओके गाइस तो जिली ने जो है अपने मुंह में दही जमा ली, इतनी ज़्यादा खुश हो रखी है वो, पागल हो चुकी है खुशी की वजह से, इसने कुछ बोला नहीं उसने। बाकी मैं सोचता हूँ चलो शेडर लगा के अपना घर देखता हूँ, बट मेरा शेडर इतने ज़्यादा गू है, मतलब क्या बताऊँ इतना घटिया शेडर है, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है भाई, शेडर भी कितने घटिया निकले मेरे। एंड मतलब कुछ ज़्यादा ही लाइटिंग है, दैट्स वाई इसमें जो ब्लॉक्स की डिटेल है वो ढंग से आ नहीं रही है, तुम लोग देख सकते हो प्रॉपर वाइट है, बिल्कुल वाइट वाइट हो गया घर, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ शेडर से। एंड मेरे घर की मतलब तुम लोग देख सकते हो इतने मेहनत से घर बनाया है एंड उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं, इतना अच्छा लुक भी नहीं मिल रहा है यार घर का। एंड मैं सोचता हूँ घर गया तेल लेने, ठीक है अपना जो वर्ल्ड है मैंने जिसमें दिनों की मेहनत है, पता नहीं कितने ज़्यादा दिनों से इस वर्ल्ड में मेहनत कर रहा हूँ, हालांकि वो मेहनत दिखती नहीं है बट की तो बहुत ही है ना, मतलब ग्राइंड तो किया ही मैंने बहुत ज़्यादा। सो मैं सोचता हूँ चलो एक बार ना अपने वर्ल्ड को देख लेते हैं अपने इस शेडर में, क्योंकि मैं डेली तो शेडर लगा के खेलता नहीं, वैसे ही कम लैग होता है मेरे फ़ोन का, दैट्स वाई मैंने सोचा कि एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इस वर्ल्ड का ताकि मैं इसको इंस्टा पे अपलोड कर सकूँ। एंड बाकी तुम लोग इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, एंड तुम लोग यार देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, हालांकि जितना तुम्हें बढ़िया लग नहीं रहा है उतना बढ़िया मेरे को लग रहा है। बाकी मैं अपने वर्ल्ड को निहार रहा हूँ, तुम लोग इन दोनों वीडियोज़ को देखो, मैं बताऊँ तुम लोगों को इन दोनों वीडियोज़ में, तब तक ले टाटा बाय बाय पीस।